अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को मुफ्त पानी के बाद अब मुफ्त आरओ वाटर देने की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि घोटालों और फंड की हेराफेरी की वजह से दिल्ली जल बोर्ड दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। अगर उसे जल्द ही वित्त विभाग से पैसे नहीं मिले तो उसके रोजाना की मरम्मत और रखरखाव वाले काम भी प्रभावित हो सकते हैं और जो योजनाएं चल रही हैं वे सारी की सारी ठप पड़ जाएंगी। जल बोर्ड ने वित्त विभाग से तत्काल 1800 करोड़ रुपए जारी करने की अपील की, जिनमें 450 करोड़ रुपए पुराने लंबित बिलों के भुगतान के लिए हैं। वित्त विभाग कितना पैसा जल बोर्ड को देगा इस पर फैसला नहीं हो पाया है। जल बोर्ड के पास पैसे की कमी को देखते हुए वित्त मंत्री आतिशी, जल मंत्री सौरभ भारद्वाज और जल बोर्ड उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती की एक बैठक हुई थी। बैठक में समस्या के समाधान को लेकर चर्चा हुई थी। सूत्रों का कहना है कि आतिशी ने पैसे का इंतजाम करने के लिए सभी विभागों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें गैर जरूरी कामों के लिए लिए गए फंड की जानकारी और उसे वापस करने की अपील है, जिससे जल बोर्ड को बजट दिया जा सके। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी की माने तो जल बोर्ड ने जो पैसा मांगा है उसमें बकाया भुगतान के लिए मांगे गए 450 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। अगर ये भुगतान समय पर नहीं किया जाता तो मरम्मत, रखरखाव और चालू योजनाओं के काम भी प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड के लिए 2022-23 में कुल 4839 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित था। अब जल बोर्ड 4000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांग रहा है। पैसे की कमी से जूझ रहे जल बोर्ड की मुश्किलें वित्त विभाग की एक चिट्ठी ने और बढ़ा दी। वित्त विभाग ने जल बोर्ड से बीते 5 साल में खर्च किए गए पैसे की जानकारी मांगी। सूत्रों का कहना है कि जल बोर्ड को 5 साल में 12712 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जल बोर्ड पर आरोप है कि बीते 5 साल में योजना मद में दिए गए 2000 करोड़ रुपए को दूसरे मद में डाइवर्ट किया गया, उसकी कोई सूचना नहीं दी गई, छोटे छोटे काम भी तय समय से पीछे चल रहे हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।